In all the time that I have been shooting for Shakti, I have come across some beautiful human souls. While I interacted with them, I understood life from their perspective and it changed my worldview. तो यहाँ मैं आपके साथ मेरे उनसे हुई बातचीत को शेयर कर रही हूँ. इनकी पावर ऑफ पॉजिटिविटी मुझे प्रेरित करती है और मुझे आशा है वो आपको भी करेगी. मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि सामाजिक भेदभाव ना करें. वे आपके और मेरी तरह समाज का हिस्सा हैं और उन्हें अब पहले से कहीं अधिक हमारी सहायता और सहानुभूति की आवश्यकता है. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने अपना वक्त निकाला. आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक ऑन यू गाइज, आप सब लोग ठीक हैं? कैसे लॉकडाउन में आप अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? आई जस्ट वॉन्टेड टू हियर फ्रॉम यू. हम एक्चुअली इसलिए आज यहाँ पर सब इस कॉल के माध्यम से जुड़े हैं ताकि मैं आप सभी के बारे में जान सकूं, आप सभी कैसे कर रहे हैं, आप सभी किस मुसीबत से गुजर रहे हैं और आप सबकी मैं मतलब जो भी कठिनाइयां हैं वो मैं सुन सकूं, जान सकूं. अब मेरे जितने भी फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, ये मैसेज बाहर तक जाएगा. जितने भी लोग जिस भी क्षमता से इस समाज की हेल्प कर पाएंगे वो हमारा एक एक इनिशिएटिव जो है वो हम ले रहे हैं. आप सभी के बारे में सब कुछ सुना जाएगा. आप जिन जिन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो सुना जाएगा. आप इन प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन में मेरा कैसे रह भी रहे ना, वो भी जानेंगे हम. रूबीना मैम, दिस इज सुहानी एंड आई वुड मैं बोलना चाहूंगी कि एज पर जो आपने कहा है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हम क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, कैसे हम गुजार रहे हैं हमारे जिंदगी, सो इट्स लाइक बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वी ट्रांसजेंडर जो हम शूटिंग लाइन में हैं, जो वर्क कर रहे हैं, हमारी भी वर्क इट्स बीन स्टॉप्ड. हम लोग अब काम नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा कई लोग जो लाइक यू नो मांगने जाते हैं तो उन लोग भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं. सो हमारा सोर्स ऑफ इनकम सब जगह से स्टॉप है. जब इनकम ही स्टॉप है सो फॉर सर्वाइवल हमारे बेसिक नेसेसिटी जो है वो भी हमको नहीं मिल पाती है. लाइक कोई लोग फ्रेंड्स लोग से पूछते हैं पैसे, अगर मदद हुआ तो हमें अनाज मिलता है घर भरने के लिए और फैमिली सपोर्टिंग ज्यादा नहीं होते क्योंकि हम सब अपने घर से अलग रहते हैं तो कोई हमारे फैमिली के साथ रहता नहीं है और कोई रहता है तो बस माँ या पापा साथ में रहते हैं. तो हम लोग रहते हैं जो घर संभालते हैं एंड करंटली हम ही कमाने रहे तो कहाँ से घर संभालेंगे. और कई लोगों का लोन भी होता है जो भर नहीं पाते, ऐसे टाइम लोन भी नहीं भर पाते. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड इट्स लाइक हम बस घर पे हैं, कुछ करने रहे बस प्रेयर्स के अलावा और नहीं, हेल्प मांग मांग के वी आर लाइक राइट नाउ गोइंग थ्रू. रुबीना जी, मेरा एक और सवाल है. जब मैं ट्रांसजेंडर कन्वर्ट नहीं हुई थी, जब मेरे मैं जॉब करती थी, मेरे पास काम था. अब मैं ट्रांस होने के बाद अब लोगों के थिंकिंग अब तक चेंज नहीं हुए. अभी मैं इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में गई ना, हमें लगता है ना रुबीना, हाँ अभी लोग वैसे नजरिए से अभी भी लोग देखते हैं कि ये अभी से ट्रांसजेंडर होने के बाद, मतलब अभी कहीं काम के लिए जाओ तो दादा लोग सोचते अरे यार मैं इसको लू काम पे तो मेरी इज्जत ना चली जाए. कुछ लोग आज भी है जो हमको तुच्छ मानते हैं, कुछ लोग आज भी है, सब नहीं है, कुछ लोग है जो हमारी हमको ऐसा मानते कि ये कौन है करके. अरे कौन है, हम भी इंसान ही है ना. कमाऊ मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, मेरी फैमिली को मेरी मेहनत का मैं कमा के खिलाऊं. आप लोगों के सभी के आधार कार्ड है क्या? जी जी, सबके हैं. कह रही हूँ आधार कार्ड जो है ना हर किसी के पास है, बट क्या होता है ना ड्यूरिंग द बर्थ टाइम पेरेंट्स कोई दूसरे नेम से लाइक जो हमारी आइडेंटिटी जिस हिसाब से स्कूल में एडमिशन होता है वो नेम के हिसाब से रहता है. बट लेटर व्हेन पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ट्रांसजेंडर एंड दे चेंज देमसेल्फ तब जो आइडेंटिटी बनती है वो बनाने के लिए लोग कतराते हैं, उसके लिए लोग क्वेश्चंस बहुत पूछेंगे. सो बहुत लोग नहीं बनाते, बहुत लोग बना लेते हैं
इट्स ओके, विल सी हाउ इट इज. हेलो. कई लोग जो डर जाते हैं ना, वो लोग को बहुत इश्यूज होता है. लाइक लास्ट कोविड में वैसे लोगों को शायद राशन ना मिला हो, हम ट्रांसजेंडर जिनकी आइडेंटिटी ना हो, और जिनकी हो शायद उन तक ट्रस्ट वाले रीच आउट किए थे लास्ट कोविड में, तो ऐसा इश्यूज हुआ था. और ये लॉकडाउन इसलिए डिफिकल्ट आता है बिकॉज it's not an open declared lockdown and a complete lockdown, it's like to an extent lockdown, work related 30% are working, things are open from 7 to 11. इस वजह से ये लॉकडाउन ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि हेल्प हमको उतनी नहीं मिल रही थी जितनी लास्ट लॉकडाउन में हमको मिली लोगों से एंड ट्रस्ट से. ओके. कैसा हो रहा है क्योंकि इन लोग ने किया हुआ है कि आधार कार्ड लिंक करना है, फिर आधार कार्ड के बेसिस पे अलग मेल और फीमेल को मिला है. बहुत जगह फाइट चालू है पर ट्रांसजेंडरों को अभी तक नहीं मिला है, और बहुत सारे ट्रांसजेंडर है जिनको मिले ही नहीं है और नहीं दिया जा रहा है, और बहुत लोगों ने अप्लाई किया फिर भी नहीं हो रहा है. हाँ, मैं भी इसी उम्मीद से, आई मीन लाइक मैं तो अनु जी जानते हैं आप लोगों से कितना, 4 साल से तो एटलीस्ट आप लोगों के साथ बातचीत, आप लोगों के साथ उठना बैठना, आप लोगों को जानना, ये मैं आपको बताऊं ना, मेरे लिए भी बहुत स्लो प्रोसेस था इस बात को नॉर्मलाइज करना कि हम और आप ना एक लेवल पर हैं. क्योंकि हमारे समाज में ना हमारे लिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया जहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, यू नो, यूनक्स या LGBTQ को हम एक नजरिए से देख पाते. तो मैं भी आपसे कहूंगी कि मेरे लिए भी, खैर हमारे तो घर पे हमारी ऐसी एजुकेशन हुई है, वी सी एवरीवन एज इक्वल. बट क्या होता है ना, सोसाइटी का प्रेशर कैसा होता है, सोसाइटी का वे ऑफ थॉट कैसा होता है कि नहीं यार ये वाली कम्युनिटी थोड़ा सा अलग है, तो ये हमारे उसमें ना कंडीशनिंग ऐसी कर दी जाती है. बट मैं आपसे कह रही हूँ, 4 साल, 5, अब तो ऑलमोस्ट 5 साल होने को आ गया आप लोगों को जानकर, आप लोगों के बारे में आप लोगों को पहचान कर, मैं एक विदाउट एनी डाउट कह सकती हूँ कि आप लोग इक्वली टैलेंटेड हैं. धीरे धीरे ना हम ये जो अपनी आवाज सब तक जो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, टाइम आई नो थोड़ा जरूरत से ज्यादा लग गया है, बट कर लेंगे हम. मतलब उस सिचुएशन में नहीं होंगे जहां पर ऐसा होगा कि हमें बाहर जाकर लोगों से हाथ फैलाकर मांगना पड़े. और मुझे आलिया की बात बहुत अच्छी लगी, मेहनत से कमाना है, खुद मेहनत करके कमाना. अनु जी, कोई एनजीओ नहीं है जो हेल्प कर रही है, या फिर जिन लोगों के साथ आप एसोसिएटेड हो, जो एक मतलब मंथली बेसिस पे हेल्प कर सके, राशन या एक जनरल खर्चा उसके साथ? रुबीना, देखो यहाँ एक किन्नर माँ करके ट्रस्ट है, आपको बताई थी मैंने, एक ट्रस्ट. हाँ, किन्नर माँ. हाँ हाँ, किन्नरमा ट्रस्ट लास्ट लॉकडाउन में 4 या 5 बार, 5 लॉकडाउन थे शायद, 5 लॉकडाउन में किन्नरों को, महाराष्ट्र के, बॉम्बे के, महाराष्ट्र के हर किन्नरों को उन्होंने बहुत सारा राशन दिया. लास्ट जो लॉकडाउन था वो तो कैसे तैसे चला गया, ये लॉकडाउन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, मेरे हर चेले को प्रॉब्लम हो गए, सब बहुत सारे किन्नरों को प्रॉब्लम हो गए. मुंबई में ना बहुत सारे ट्रस्ट है, बहुत सारे किन्नर लोगों के लिए ट्रस्ट है, गे लोगों के लिए, लेस्बियन लोगों के लिए, लेकिन किन्नर माँ के अलावा कोई ट्रस्ट आगे नहीं आया, ये सबको पता है. हाँ, ये हकीकत है. तो फिर कोई आगे नहीं. हाँ, तो मैं exactly, तो मैं बताऊँ क्या, मैं इनफैक्ट ये बोलने वाली थी अनु जी, अभी एक छोटी सी मतलब कोशिश या पहल ही देख लेते हैं. आज जितने भी हमारे पास यहाँ कॉल में है, मैं किन्नरमा ट्रस्ट में कुछ और फंड्स ट्रांसफर करूंगी, तो एटलीस्ट आज जितने भी किन्नर यहाँ हमारे पास कॉल में है, एटलीस्ट उनको 5,000 राशन सबको दिलवा दीजिएगा. पर हेड 5,000 का राशन सबको दिलवा दीजिएगा. बाबू छोटी सी छोटी सी हेल्प है, और अच्छा लगेगा. मैम, आपने हमारे साथ 4 साल निकाले, देन आपको पता चला कि हमारी हमारे हमारा नेचर कैसा है, हम कैसे हैं, तो देन अरे बहुत बढ़िया लोग यार. मतलब मुझे तो बहुत, मैं बोलती हूँ, मुझे तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं आप लोगों को जान सकी. मुझे हम तो सिर्फ सीरियल्स में देखते हैं ना, ये प्रॉब्लम, ये ऐसा भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा भी हो सकता है, हमने तो सिर्फ कहानियों में पढ़ा था यार. आप लोगों के साथ
यू नो रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में देखना और उसे जानना और उसके लिए उसके बाद जुड़ना और फील करना, मतलब कमाल है। और आपने पहली बार दिलचस्पी हमारे में दिखाई है कि नहीं बाबा हम लोगों की तकलीफें क्या है क्या नहीं जानने के लिए, नहीं तो और यार, आप लोगों में दिलचस्पी, मतलब आप लोगों की कहानी, मतलब इतनी शक्ति, इतना बड़ा शो बन गया आप लोगों की वजह से बना है, और उस शो ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मैं आपको तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मदद कर ही सकती हूँ अगर ज्यादा ना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से पहली बार कोई किन्नरों के लिए खड़ा हो गया, पहली बार, यह हक है, ये लाखों में सही बात है, पहली बार खड़ा हुआ किन्नरों के लिए, तुम पहली बार खड़ी हुई, इसलिए हम तुम वापस शक्ति में आई तो हम बहुत खुश हो गए कि जान आ गई। नहीं, किन्नर समाज ने मेरे लिए तो स्पेशली पर्सनली मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। आप लोगों ने, मैं शो में वापस आई थी, मतलब बाकी लोगों ने इतना अच्छे से स्वागत नहीं किया जितने हमारे किन्नर समाज के लोगों ने मेरा स्वागत किया था। मैं चाहती हूँ हर एक किन्नर को काम मिले, हर एक किन्नर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट सबके लिए होनी चाहिए। आप सब अपने पैरों पर खड़े हो, आप अपने परिवार वालों के लिए, आप अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए एक मिसाल बने। ये मतलब ये मेरी दिल से इच्छा है, ये मेरी दिल से इच्छा है। और जब आप किसी से ऐसे दिल से जुड़े होते हो ना, तो आप चाहते ही हो कि यू नो आपके लोग भी आगे बढ़े, आपके लोग भी ऐसे, ये जो अभी ये परिस्थिति जो चल रही है, ये कोरोना का जो वक्त चल रहा है, दौर चल रहा है, ये भी छट जाएगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ आप लोग इस माहौल में इस समय स्वस्थ रहें, मुझसे जुड़े लाखों लोगों से जो भी मदद हो सकती है कम्युनिटी के लिए हम डेफिनेटली करेंगे। तो आप लोग थोड़ा अपना अपना स्ट्रेंथ बनाए रखे, अपने लिए एक जितना हो सके एक घर पर भी एक अच्छा सा माहौल बना सके, ताकि ये जो पूरा विश्व जो ये पैंडेमिक से अभी जो गुजर रहा है, इस डिफिकल्ट सिचुएशन से जो गुजर रहा है, थोड़ा मेंटली हम और थोड़ा फिजिकली अगर हम इस चीज को पार कर पाए, तो फिर उसके इस सिचुएशन के चलते, और थोड़ा जब आगे ये पैंडेमिक थोड़ा सेटल हो जाएगा, सिचुएशंस थोड़ी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद आई एम श्योर आप लोगों की भी सिचुएशंस अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए जितना भी इनिशिएटिव हो सकता है, जितने भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, वो आगे बढ़कर इस कम्युनिटी की हेल्प कर सके, इस कम्युनिटी के साथ जुड़ सके, छोटे से छोटा डोनेशन भी विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, छोटी सी छोटी हेल्प भी विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो I would really, really want my people, my fans, and my audience to connect to this community, help in whatever possible way. Thank you so much. अब हम जल्द ही फिर से मिलेंगे, बट तब so तक much. आप सब लोग स्वस्थ रहें। आप सब लोग जिस तरह से इस चीज को अभी फिलहाल आप लोग सामना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक अच्छे मनोबल के साथ, आप यू आर कीपिंग योर होप अगेंस्ट होप, प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट, बिकॉज आई एम श्योर वी विल ऑल बी आउट ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन, अपने लिए एक अच्छी जगह, अपने लिए एक अच्छा माहौल हम सब बना पाएंगे। तो प्लीज आप लोग सब अपना ख्याल रखें, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, और बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। आई होप आप सभी तक मेरा छोटा सा इनिशिएटिव पहुंच जाए, और उसके बाद ये हमने आज जो एक पॉजिटिविटी का एक नया दौर हम शुरू करने वाले हैं, आई होप बहुत से लोगों को इससे फायदा हो, बहुत से लोगों को इससे उम्मीद जागे, और उन उम्मीदों पर हम खरा उतरे।